ऐसे भूखा रहना तो कोई इबादत नहीं है, दुनिया में बहुत सारे भूखे रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये रोजे की भूख, ये ऐसी भूख कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि ये मेरा बंदा भूखा है, इसकी भूख की वजह से इसके मुंह से जो बू आ रही है, ये बू मुझको मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा महबूब है। لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، एक रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। ये ऐसा महबूब अल्लाह का बंदा हो गया कि अल्लाह ने सारी इबादतों को छोड़ करके एक रोजे के बारे में कह दिया, अस्सौमु ली व अना अज्जी भी, कि रोजा तो मेरे लिए है, इसकी जजा मैं दूंगा। सारी नेकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 से 70 तक के सवाब देता है, कई गुना सवाब देता है, लेकिन रोजे के बारे में सारे लोगों से ताल्लुक तोड़ के कहा यह मेरा और मेरे बंदे का मामला है, अस्सौमु ली व अना अज्जी भी, रोजा मेरे लिए मैं इसकी जजा दूंगा। हाँ, यत्रुकु ताअमुहु व शराबुहु व शहवतुहु लियजली, कि मेरे बंदे ने मेरे लिए खाना छोड़ दिया है, मेरे लिए प्यासा है, मेरे लिए अपनी शहवतों से मुंह मोड़ करके रखा हुआ है, तो ये मेरा और बंदे का मामला है, ये मैं और मेरे और बंदे के बीच में जिस तरह ये अमल है उसी तरह इसकी जजा भी होगी।